जैसे कि हम सभी को पता है कि फेशियल करवाने से हमारी जो स्किन की जो टाइटनेस होती है वो वापस आ जाती है और हमारी स्किन बहुत ज्यादा डल होता है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस होता है, बहुत अगर ग्लो गायब होता है तो कुछ टाइम के लिए वो हमारे फेस पे वापस आ जाता है। इसलिए हम एक ऐसा कहते हैं हमें फ्रिक्वेंटली फेशियल कराते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी अर्ली एजिंग साइंस होती है वो नहीं आती है जल्दी, बहुत ज्यादा रिंकल्स, झाइयां, झुर्रे ये सब दिखते हैं, तो वो कुछ हद तक प्रिवेंट हो जाता है। और अगर आप पार्लर जाते हैं तो इसके लिए आपको 5,000, 10,000, 2,000 से ज्यादा आपको मनी स्पेंड करना होगा, और कई कई बार तो कहते हैं ऐसे 50,000 लोग स्किन पे स्पेंड करते हैं अपने फेशियल, अपने स्किन केयर करने के लिए। तो अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता कि हर बार हमें फेशियल कराना है तो हम पार्लर में ही जाके करें। उसका एक सोल्यूशन ये भी है कि घर पे बहुत अमेजिंग सा हम फेशियल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं। आपको वीक में 2 बार करना है और एक आपको वन टाइम में इसका गजब का रिजल्ट मिलने वाला है। गर्मियां स्टार्ट हो गई है, गर्मियों में स्किन की 10 परेशानियां शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा जो काम होता है वो टैन होता है, तो जो फेशियल हम करने वाले वो सबसे ज्यादा जो बड़ा करता है काम वो हमारे सन टैन को रिमूव करता है और बहुत कमाल का ग्लो देता है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कि दही फेशियल, जो कि बहुत ज्यादा कमाल, बहुत ज्यादा सुपर्ब है। ये आपको 3 स्टेप का प्रोसेस करना है, लेकिन जो आपको ग्लो मिलेगा वो आपको नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मतलब दही में क्या क्या चीजें होती हैं, हमें लगाने से इसको क्या होगा। सबसे पहला काम होता है स्किन को हाइड्रेट करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन की टोटली आपका जो हाइड्रेशन खत्म हो गया, बहुत ज्यादा ड्राई, बहुत ज्यादा डल लगती है, तो वो आपको प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छे इवन स्किन टोन प्रोवाइड करता है, कॉम्प्लेक्शन को आपके ये जो है इनहेंस करता है, आपका इवन स्किन टोन है, आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, आपके एक्ने स्कार्स को रिमूव करता है, और एक आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है, आपके जो स्किन को बहुत अच्छे टाइटनेस देता है, आपके जो पोर्स होते हैं उसको बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, ब्लैक हेड्स नहीं आने देता, व्हाइट हेड्स नहीं आने देता है। तो इतना कुछ चीज है एक अकेला दही में। और जैसा कि कहते हैं इसमें होता है लैक्टिक एसिड, व्हिच इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर आवर स्किन, तो इसलिए इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी ब्यूटी इंग्रेडिएंट में। 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले अपने आपको एक मसाज क्रीम प्रिपेयर करना है, सो जिसके लिए हमें लेना होगा 1 चम्मच दही और 1 ही चम्मच हनी। दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और अपने हाथों से बिल्कुल जेंटल, बिल्कुल स्मूथ हैंड से अपने हाथों से कर लीजिए मसाज। 3-4 मिनट करना है आपको बहुत ही अच्छे से, जिससे हमारी स्किन बहुत प्रिपेयर हो जाए, जो हम नेक्स्ट प्रोसेस करने वाले हैं उसके लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। जैसे हनी क्या करता है, बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन का काम करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा लूज है, बहुत ज्यादा लटक गई है, तो हनी उसमें बहुत ही अमेजिंग सा काम करता है। आप ट्राई करके देखिए, देन आप आके रिजल्ट बताइएगा कि कैसा रिजल्ट आपको मिला। तो ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस ये हो गया, हमें करना है मसाज, जिसमें लेना है दही और हनी, दोनों को मिक्स करना है और अपने फेस से बहुत ही अच्छे से इवनली अपने हाथ से कर लेना है मसाज। वीडियो इंसर्ट कर दे रही हूं, यहां से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद जो रिमेनिंग वाला हमारा दही और हनी वाला पैक है, उसमें हम सेकेंड प्रोसेस के लिए करने वाले हैं कॉफी को मिक्स करेंगे। सो कॉफी को मिक्स करके हम यहाँ पे बहुत एक अमेजिंग सा स्क्रब प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमने क्लींजिंग तो कर ली है, लेकिन हमें डीप क्लींजिंग के लिए जो हमारे डेड स्किन सेल्स है, जो हमारे पोर्स में डर्ट पोल्यूशन इंसर्ट हुआ है, उन सबको रिमूव करने के लिए हमें स्क्रब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि ये बताने की जरूरत नहीं है, कॉफी में वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, आंखों के नीचे अगर किसी को बहुत ज्यादा झाइयां, झुर्रियां आ गए, फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, तो कॉफी उस पर बहुत ही कमाल का काम करता है। अगर आपकी अर्ली एजिंग साइंस दिख रही है, तो अगर आप इसको प्रॉपर वे में यूज करते हैं तो एक गजब का आपको ग्लो देता है, आपकी स्किन को कब इतना ज्यादा ये ग्लोइंग बना देगा, कब ये सारी छोटी मोटी परेशानियां खत्म हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको इन दोनों, जैसे कि मैंने बताया आपको, दही और हनी वाला जो पैक रिमेनिंग है, क्योंकि जब हम बनाएंगे इसको थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा ले लीजिएगा, हम इसमें मिक्स करने वाले हैं कॉफी। ठीक है, इन दो तीनों को मिक्स करने के बाद जैसे कि आप स्क्रब करते हैं 2-3 मिनट, मतलब इससे ज्यादा आपको नहीं करना, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम करना है, बहुत अच्छे से करेंगे, देखेंगे आपके जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन वो धीरे धीरे करके इनहेंस होना शुरू हो जाएगा, मीन्स गजब का ग्लो देगा और बहुत कमाल का, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इतना ज्यादा अमेजिंग हो सकता है दही वाला फेशियल। ठीक है, उसके बाद आपको वॉश कर देना है, क्योंकि जो हमने मसाज वाला प्रोसेस किया था उसके बाद आपको फेस वॉश नहीं करना है। सो फर्स्ट प्रोसेस जो मैंने बताया था, मसाज वाले प्रोसेस के बाद आपको स्किन क्लीन नहीं करना, वॉश नहीं करना, जस्ट लीव ऑन कर देना है। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस हम स्क्रब करें, हम उसी के ऊपर इसको हम करने वाले हैं अप्लाई। फॉर द थर्ड प्रोसेस हमें, क्योंकि हमने हमारे ओपन पोर्स ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से खुल चुके हैं, तो उन सबको हील करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा पैक की जरूरत पड़ने वाली है। तो उसके लिए हम दही लेंगे, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच बेसन, और लेंगे थोड़ी सी
3 से 4 पिंच हम लेंगे टर्मरिक। टर्मरिक एक ऐसा मतलब कमाल का इंग्रेडिएंट है जो हमारे हर ब्यूटी इंग्रेडिएंट में हर ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज होता है, बहुत अमेजिंग सा ग्लो देता है। हल्दी क्या कर सकता है स्किन के लिए, ये आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको बहुत डिटेल में पता चल जाएगा, क्योंकि हल्दी एक ऐसा अमेजिंग सा काम है जो हमारी स्किन की छोटी मोटी से लेकर बड़ी परेशानियों को हर चीजों को हील कर देता है। मतलब सबसे बड़ा जो कहते हैं ना, अगर किसी को एक्ने स्कार्स रह गए, हल्दी का प्रॉपर यूज करो, वो सब कब साफ कर देगा ना, मतलब आप क्या खुश होने वाले हैं हल्दी के यूज करने के बाद। ठीक है, तो हमें दही लेना है और बेसन, मतलब एक तो कह सकते हैं मतलब एक इतना अमेजिंग सा क्लींजर है बेसन, और उसकी जो क्वालिटीज है, जैसा कि मैंने हल्दी के बारे में बताया, क्योंकि मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाने वाली है, सो प्लीज बेसन के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करके अपलोड किया है। तो दही लेना है 1 चम्मच, 1 चम्मच बेसन, 3 से 4 पिंच लेना है टर्मरिक। कस्तूरी हल्दी ले तो बेटर है, अगर नहीं है तो किचन टर्मरिक ले, लेकिन अगर आप किचन टर्मरिक ले रहे हैं तो प्लीज 1 से 2 पिंच की ले, क्योंकि वो बहुत गजब का कलर छोड़ के आपकी स्किन पे चला जाएगा। ठीक है, तीनों को मिक्स कर लिया है बहुत ही अच्छे से, उसके बाद आपको कर लेना है अप्लाई। हाँ, जो हमने स्क्रब यूज किया था उसके लिए आपको फेस को कर लेना है वॉश, ऐसे अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, आपको वॉश करने के प्रॉपर अच्छे से अब बिल्कुल इवनली आपको अपने हाथों से, आपको अपने ब्रश जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं उससे आपको कर लेना है बहुत ही अच्छे से अप्लाई, और 15 से 20 मिनट रहने देना है, क्योंकि ये क्या है ना कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब 100% आपको ड्राई नहीं करना है, आपको 80% तक ड्राई करना है। एंड देन जब आपको वॉश करना है, थोड़ा सा आपको लेना है पानी, पानी लेने के बाद सर्कुलर मोशन में बिल्कुल अच्छे से रिमूव कर देना है, ज्यादा कुछ हार्शली इसको नहीं करना है, देखेंगे धीरे धीरे करके आपकी स्किन मतलब एकदम से चेंज होना शुरू हो जाएगी। आपको वीक में 2 बार करना है, जैसा कि गर्मियां आ रही हैं तो टैन होना विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, आप टैन रिमूव करने के लिए ये वाला फेशियल दही वाला घर पे कर सकते हैं। बताने में मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो बहुत फटाफट हो जाने वाला है, और उसके बाद का जो ग्लो मिलेगा ना, आप खुश होके ना खुद से मतलब खुश होके करने वाले हैं कि नहीं, मार्केट में पार्लर में जाके हमें 5,000 स्पेंड करने से अच्छा है कि घर की दही के साथ हम जब इतना अच्छा ग्लो पा सकते हैं, वो भी नेचुरल विदाउट एनी कॉस्मेटिक्स, और इंस्टेंट ग्लो पा सकते हैं, तो हमें क्या जरूरत है आप मार्केट, हमें क्या जरूरत है पार्लर में जाके 5,000 इन्वेस्ट करने की। आप करके देखिए, बहुत ज्यादा खुश होने वाले, बिल्कुल केमिकल फ्री है, और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, जो रिजल्ट मिलेगा वो भी 1 नंबर का मिलने वाला है। लेकिन हाँ, अगर जिसको बहुत टाइम से टैन हो रखा है तो वो 1 टाइम एक्सपेक्ट ना करें कि मतलब कर दे ही चमक जाए, एटलीस्ट 2 यूज करने के बाद देन यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट कि हाँ आपकी स्किन प्रॉपर चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पे वीडियो इंसर्ट कर देना, आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था, मींस ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करेंगे, यूजली मैं करती ही रहती हूँ, तो बहुत गजब का है, आप इस तरह से यूज कीजिए, और जैसा भी रिजल्ट मिलता है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो आई जस्ट होप आपको ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आप इस चैनल से जुड़े रहे, दिव्यास DIY चैनल से जुड़े रहे, ऐसी और अमेजिंग वीडियो के साथ, ऐसी और अमेजिंग कंटेंट के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।